अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सब्ट्रैक्शन इन बेस 5 नंबर सिस्टम विद एग्जांपल देखेंगे। तो यहां पे हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड मसलन ये दो हमारे पास नंबर्स हैं बेस 5 में, इनको हमने सब्ट्रैक्ट यानी कि माइनस करना है इन दोनों को। तो इससे पहले ना हम देखते हैं कि जो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो इसमें देखें कि ये 1 और 3 है, मतलब 1 में से 3 तो नहीं निकल सकता। हमने क्या किया, इधर से एक कैरी लिया, तो कैरी लेने के बाद ये 11 बन गया। तो 11 में से 3 निकाले तो हमारे पास 8 आ गया। तो इधर से हम देखते हैं कि 2 ने जब एक कैरी दे दिया तो इधर 1 बच गया था। अब 1 में से 4 भी नहीं निकल सकते हैं, तो इसने इधर से कैरी लिया तो ये बन गया 11। 11 में से अब 4 निकाले तो हमारे पास 7 आ गया। अब 2 में से भी 5 नहीं निकल सकते, इसने इधर से कैरी लिया तो ये बन गया 12। अब 12 में से हमने 5 निकाले तो हमारे पास 7 बच गया। तो अब इधर जब 9 ने एक कैरी दे दिया तो बाकी ये बच गया, तो 8 में से 2 निकाले तो हमारे पास 6 बच गए हैं। इस चीज़ में आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये जो कैरी बेस डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, इसमें जो कैरी होती है वो 10 जाती है कैरी, क्योंकि हम डेसिमल नंबर सिस्टम यानी कि बेस 10 के नंबर सिस्टम में काम कर रहे थे। लेकिन जब हम बात करेंगे बेस 5 के नंबर सिस्टम की, तो इसमें जो अगर हमने कैरी लेनी है तो वो कैरी अब 10 नहीं होगी, वो कैरी अब 5 होगी। अब देखते हैं कि इसको कैसे हम ना करते हैं। तो आप देखें कि 1 में से हमने ना 3 निकालना है, 1 में से 3 तो निकल नहीं सकता, हमने इधर से कैरी ली। अब हम जब कैरी लेंगे तो इधर से अब ये 5 आएगा, क्योंकि हमारे पास बेस 5 है। तो 5 और 1 हो गया हमारे पास 6। अब 6 में से हमने 3 निकाले तो बाकी हमारे पास बच के 3। तो नेक्स्ट, अब जब हम इधर से कैरी ले लेंगे 2 में से 1 कैरी ले लेंगे तो बाकी यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब क्योंकि 1 में से 4 निकालना है तो वो भी नहीं निकल सकता, तो हम क्या करेंगे, इधर से फिर कैरी लेंगे। अब इधर से कैरी लेते हैं तो 5 कैरी आया, तो 5 और 1 6 बच गया। 6 में से हम 4 निकालें तो हमारे पास ना 2 बच जाएगा। अब क्योंकि इसने कैरी दे दी है तो इधर बाकी बच जाएगा 3। 4 ने कैरी जब दे तो बाकी 3 बच गया। अब हम ना कि 3 में से 1 निकाल सकते हैं तो कैरी लेने की जरूरत नहीं है, तो 3 में से 1 निकालें तो हमारे पास आ जाता है 2। तो नेक्स्ट फिर हमारे पास ये एंड वाला बच जाएगा, 3 में से 2 निकालें तो हमारे पास 1 आता है। तो इस तरह हमने ये जो 2 नंबर थे इनको जब माइनस किया तो उनका आंसर ये आ गया, और आंसर भी बेस 5 में हम लिखेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है कि ये 2 नंबर्स हैं, इनको हमने इनके माइनस करना है। तो हम देखते हैं कि हमने ये वाला ऊपर रख लिया और ये नीचे रख लिया। अब 2 में से 2 निकालें तो हमारे पास 0 आता है। तो ये तो सिंपल था कि 2 में से 2 निकालें 0 आ गया। अब नेक्स्ट हमने देखा कि 1 में से हमने ना 2 निकालना है। अब 1 में से 2 नहीं निकल सकता तो वो इधर से कैरी लेगा, तो 0 तो कैरी दे नहीं सकता, तो उसने इधर से कैरी ले। अब इधर से जब कैरी लेगा तो बाकी 2 बच जाएगा, लेकिन इसके पास 5 हो जाएगा। अब 5 जब इसे कैरी देगा तो ये 5 और 1 6 हो जाएगा, लेकिन ये 5 में से जब एक कैरी चला जाएगा तो बाकी 4 बच जाएगा। अब हमने ये 6 में से 2 निकालना है तो हमारे पास बच गया 4। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्योंकि ये 4 बचा था, 4 में से अब हम 1 निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 3। अब नेक्स्ट देखते हैं हम कि ये 2 में से अब 4 नहीं निकल सकता, तो इसे इधर से कैरी लेना पड़ेगा। तो जब ये कैरी लेता है तो 5 और 2 हमारे पास हो जाते हैं 7। अब 7 में से जब 4 निकालेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 3, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास इधर इस 4 ने इधर जब कैरी दे दी थी तो बाकी 3 बच गया था। अब 3 में से 2 जब हम निकालेंगे तो हमारे पास ये 1 बच जाएगा। तो इस तरह हमारे पास अगर 2 नंबर्स हों बेस 5 में तो उनको हम इजीली माइनस कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगेबान।